पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 10 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए इनिशियली, जिनकी तादाद बढ़ने जा रही है, कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। किसी के पास रिफ्यूजी स्टेटस है, किसी के पास प्योर कार्ड होल्डर है, वट एवर द स्टेटस इज, वीज़ा के साथ आया हुआ है, बिजनेस वीज़ा में आया हुआ है, वो टूर वीज़ा पे आया हुआ है, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पाया गया, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, उसको फौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा। और जो लोग अभी डिपोर्ट हो रहे हैं वो 10 के करीब उनकी तादाद है, जिनको हमने पॉइंट आउट कर लिया है, ये तादाद थोड़ी ज़्यादा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी विद इन अ वीक और सो दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि वो हम क्योंकि उनकी हेड हंटिंग कर रहे हैं, जिनको पाया गया है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से। और विद इन नो टाइम हम जो ही देखेंगे किसी किस्म का कोई अफगान रिफ्यूजी हो या किसी और मुल्क का वीज़ा होल्डर हो या बिजनेस वीज़ा पे आया हो या किसी भी वीज़ा पे किसी भी स्टेटस पे आया हो, तो विद इन नो टाइम ही विल बी डिपोर्टेड। तो लिहाजा ये पॉलिटिक्स पाकिस्तानियों ने करनी है, पॉलिटिक्स का राइट हमारा है, हम पॉलिटिक्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए पॉलिटिक्स करेंगे कि जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें पाकिस्तानी उनको इजाज़त है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो हमारे वीज़ा पे आया हुआ हो और वो इन्वॉल्व हो तो उसकी इजाज़त हमारा कानून नहीं देता है। तो हमारे पास विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि हम उसको उस मुल्क में डिपोर्ट करेंगे और इमीडिएटली डिपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जी फॉर योर क्वेश्चंस। देखिए ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर कमांड हैं। हमने बावजूद इसके कि रेंजर्स हमारी सिंध में बड़े मुश्किल हालात में कच्चे के इलाके में ऑपरेशंस कर रही है, एफसी बलूचिस्तान साउथ एंड नॉर्थ ओवर स्ट्रेच हुई है, आपको पता है कि बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, फिर इसी तरह जो केपी में एफसी है वो भी बड़ी आईएस ड्यूटीज़ में है और एक सीरियस किस्म की जो टेररिज्म है उसको फेस कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स हम जो जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेज के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हाँ जहाँ तक पाकिस्तान की फ़ौज की बात है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस पर बेहतर कमेंट कर सकता है, ये उनका डोमेन है, आप उनसे पूछिएगा प्लीज़। के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको, ये जो टाइम की अपॉर्चुनिटी ये उसके पास है कि उसने कब स्ट्राइक करना है और किस पर स्ट्राइक करना है, ये हमेशा से इनिशिएटिव उसका होता है अनफॉर्चुनेटली, जबकि रियासत के इदारों ने एक एक इंच और एक एक शख्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अब हमारे यहाँ होता ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में उन वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज़ करती हैं, और उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। अब जाहिर है लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहा जा सकता कि आप घर पे बैठे, और ना वो एग्री होते हैं घर पे बैठने के लिए, दे वांट टू रिमेन इन टच विद देयर पीपल, दे वांट टू स्टे विद विद पीपल सो दैट वो अपना एजेंडा जो है इलेक्शन का वो उनको बता सकें। ऐसे में जाहिर है ये चैलेंज है, और पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर आप पास्ट में देखें जब से टेररिज्म आई है 2002 ऑनवर्ड, आप अगर देखें शौकत अजीज साहब पे इलेक्शन कम्पेन के दौरान हमला होता है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पहला हमला 18 अक्टूबर को होता है, फिर दूसरे हमले में वो शहीद हो जाती हैं, फिर इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2013 के इलेक्शंस में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पे अटैक होता है, उसमें उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं, फिर जो 2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो मीर सिराज रईसानी को 200 लोगों के साथ शहीद किया गया, जो पाकिस्तान की बड़ी तवाना आवाज़ थी, आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियां थीं और हमें हम उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन जैसी तवाना आवाज़ जो है वो इलेक्शन कम्पेन के दौरान हमसे छीनी गई। तो ज़रूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं, स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाय मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में ज़रूर है, और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो पीसफुल हों और लोगों को एक्सरसाइज करने दें कि वो अपना राइट ऑफ वोट जो है उसको एक्सरसाइज करें और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक्सरसाइज करें अपनी कंपेन को।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इनोसेंट लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, लेकिन ये है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। मैंने आईजी को टास्क कर दिया है विद अ टाइम फ्रेम, विद अ टाइम लिमिट, कि आप इसको मज़ीद डिग आउट करें, इसके असल महरकात तक पहुँचें। और ये बात अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि वो फ़रार हो चुके हैं। हमने तमाम अपने बॉर्डर्स पर बड़ी सख्ती कर दी हुई है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये कातिल पकड़े जाएंगे। एजाज सर, देखें, मोर टू कम। अभी हमने यही तो हमारा वो था कि हम आपको बता रहे थे कि हम नादरा में क्यों एक लेफ्टिनेंट जनरल लगाना चाहते हैं, ताकि उसका ये जो नादरा जो है अब ये एक सिक्योरिटी का इदारा बन चुका है, नेशनल सिक्योरिटी का। और ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये बहुत बड़ा क्राइम है, और ये आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़रिए ये आईडी कार्ड्स बने हैं, ये पासपोर्ट्स बने हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो डिजिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस भी रखता हो और सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस भी रखता हो। और उसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आ रहे हैं कि उन्होंने आके वो जो रिफॉर्म्स नादरा में रिक्वायर्ड थी फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, वो उस पर उन्होंने बिस्मिल्ला की है। और इस तरह के जो केसेस जिनका शाहजी बता रहे हैं, मजीद केसेस जो हैं वो हम डिग आउट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले दिन कहा कि हम तह तक जाएंगे, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। बट ये पाकिस्तान एक हार्डन स्टेट बनना है, इसको ये कब तक ऐसा सॉफ्ट स्टेट रहेगा जिसका जी चाहे आके पासपोर्ट बना ले, जिसका जी चाहे आके आईडी कार्ड बना ले, जिसका जी चाहे हमारे किसी भी बॉर्डर से एंटर हो जाए और जहां मर्जी हमारे अर्बन सेंटर्स में जाके काम करने लग जाए, ना हमारे टैक्स नेट में आए, जिसका जी चाहे जिस तरह की मर्जी की स्मगलिंग करे। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी इकॉनमी को ब्लीड किया है। ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ लोग जो लीगल काम करते हैं वो हम पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो हमारे सिस्टम्स पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए ये बोल्ड स्टेप्स लिए गए थे सो दैट जो लीगल काम करने वाले लोग हैं वो हम पर ट्रस्ट कर सकें और हम बेहतर काम कर सकें। किसी किस्म की आइडेंटिटी थेफ्ट होगी, जो भी होगा उसको एक्सपोज भी किया जाएगा, आपके सामने भी रखा जाएगा।